आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में मनाया जा रहा छठ पर्व, छठ पूजा के पर्व की तैयारियां हुई शुरू। फरीदाबाद में बस स्टैंड का सीएम खट्टर ने किया उद्घाटन, कई विधायक रहे मौजूद। गाजीपुर में पुलिस ने 1 करोड़ की जब्त की हीरोइन, 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरुखाबाद कानपुर रेल मार्ग पर बड़ा हादसा, हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। अमेठी में दलित महिला के साथ मारपीट, प्रधान सदस्यों ने की गुंडई। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। यूपी के बुलंदशहर में छठ पूजा के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने छठ पर्व को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था में साफ सफाई के निर्देश दिए गए। छठ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और यहाँ सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, बुलंदशहर में, खुर्जा में तमाम श्रद्धालु हैं जो छठ की पूजा रखते हैं, छठ मैया का व्रत रखते हैं। सब जगह अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनके नहाने का, उनके चेंजिंग रूम का, वहाँ बिजली की और अन्य जो व्यवस्थाएँ वो पूर्ण रूप से हों, यही सुनिश्चित कराने के लिए मैं और एसएसपी साहब आए हुए हैं और जगह जगह जाकर के स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। एनआईटी फरीदाबाद के बस स्टैंड का आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधिवत रूप से उद्घाटन कर लोगों को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि एनआईटी बस स्टैंड लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। यहां से 7 राज्यों के लिए बसें चलेंगी। वहीं आज एनआईटी बस स्टैंड के उद्घाटन के बाद सीएम खट्टर ने बस स्टैंड का नाम बदलकर डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट रख दिया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। हरियाणा में पहला बस स्टैंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना है, पहला बस स्टैंड फरीदाबाद में बना है और ये इस तरह का बस स्टैंड होगा जो जैसे आप एयरपोर्ट पर देखते हैं या रेलवे पर देखते हैं। और इस तरह का ये बस स्टैंड जो बना है जो 125 करोड़ की लागत के आसपास इसमें लागत आई है, क्योंकि इस पर हमने बनवाया है और 4.5 एकड़ के आसपास इसकी ज़मीन है और ये सबसे पुराना बस अड्डा है। ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस 2 मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये 2 बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई हैं। बदायूं में नगर पंचायत अलापुर गांव बिलहारी को जाने वाली रोड पर एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जो बनने के बाद कुछ दिनों के लिए खोला गया, मगर उसके बाद उस शौचालय को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि गेट पर ताला लगा हुआ है और इसके गेट उखड़े हुए हैं। शौचालय की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हालत में है, गंदगी और बदबू के अलावा कुछ भी नहीं है। शौचालय की हालत इतनी गंदी है कि कोई भी अधिकारी इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इस समय इसकी पोजीशन इतनी खराब है कि बिल्कुल खंडल में तब्दील है। मट्टी डाल गए ऊपर तक पलस्तर कर दिया, उसी गद्दे पर गद्दे फिर जब भाई चली तब फिर लेटरी फिर बैठ गई।
खबर अमेठी से है, जहां दलित महिला को दिवाली के त्योहार पर घर बुलाकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान सदस्यों ने मारपीट की। वहीं पीड़ित महिला ने प्रधानों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। औरैया में बेटे का इलाज कराने गई महिला के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची महिला ने घर की हालत देखी तो होश उड़ गए। आपको बता दें कि वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बलरामपुर में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्होंने डेंगू वार्ड मलेरिया वार्ड में जाकर मरीजों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हैं उन दवाइयों को अनावश्यक रूप से बाहर के लिए ना लिखें और जो दवाइयां अस्पताल में नहीं उपलब्ध हैं उन दवाइयों की लिस्ट बनाकर हमें बताया जाए। खबर फरुखाबाद से है, जहां कानपुर से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बड़े हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन के पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित हैं, तो वहीं कासगंज और कानपुर का रेल मार्ग बाधित होने से अन्य ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सूचना पर पहुंचे रेलवे अधिकारी और सीओ रविन्द्रनाथ राय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, साथ ही हादसे की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश भी दिए गए हैं। रजीपुर से बैठे हो? तो क्या हो गया तुम्हें ट्रेन में? कौन सी ट्रेन है जी? ये पैसेंजर है। पैसेंजर है, फिर कहाँ पे खराब हुई, क्या खराबी हुई है पता है कोई? ये खराबी हुई है, यहीं से खराब हुई है जो अगले डिब्बे से। नहीं, खराब हुआ है, पटरी टूटी, क्या जानकारी मिली? हाँ, पटरी टूट गई है। पटरी टूट गई है, तो लगभग कई घंटे से खड़ी यहाँ पर? हो गए एक घंटा से बेसी हो गया। से बैठे थे हम, कानपुर जा रहे थे। कानपुर, कौन सी ट्रेन है ये? पैसेंजर है। अच्छा, कहाँ पर खराब हुई है ये? ये यहीं पे इंजन के पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला डिब्बा स्टेशन पटरी से नीचे उतर गया है। पटरी से नीचे उतर गया? कई डब्बे उतर गए? एक ही डब्बा उतरा है, दो पहिया उतर गए। ये उतर गए, काम चल रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने झंडी भी दी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई। कंट्रोल तो बहुत की ड्राइवर ने, हाँ, लेकिन कंट्रोल। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। गाजीपुर पुलिस ने 1 करोड़ कीमत की हीरोइन बरामद की है, साथ ही पुलिस ने 3 हीरोइन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 1 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की है। पुलिस ने हीरोइन तस्करों को सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। पकड़े गए हीरोइन तस्कर बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक ने BBGTM मूर्ति के निर्देशन में RAF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से क्षेत्र परिचय अभियान चलाया, जिसमें प्रथम पाली में क्षेत्राधिकारी ने RAF और स्थानीय पुलिस के साथ आबादी वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस फ्लैग मार्च में कई कर्मचारी मौजूद रहे। फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। आपको बता दें कि वहां NIT के आधुनिक बस स्टैंड का CM मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक मौजूद रहे। वहीं कई राज्यों को जोड़ने के लिए बसें यहां से चलेंगी। आधुनिक सुविधाओं के साथ PPP मोड का ये बस स्टैंड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद में पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों का धरना आज भी जारी है। बता दें कि आज सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के गेट का ताला जड़ दिया।
जिसको लेकर नगर निगम में आने वाले लोगों को गेट लांग कर नगर निगम में जाना पड़ा। आपको नगर निगम के बाहर भारी संख्या में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज हमारी हड़ताल का 10वां दिन है और ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हड़ताल है जी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी आप लोगों की बात चल रही है और समय से मांग भी मानते रहे हैं, लेकिन आपने समय सही नहीं सुना दिवाली के समय। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात कही है वो पूरी तरीके से निराधार बात है उनकी। हरियाणा प्रदेश के हमने 2 महीने पहले उनको नोटिस दे रखा हरियाणा सरकार को, और पूरी तरीके से जो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, तो केवल 19 तारीख को हरियाणा प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने चंडीगढ़ में हमारे प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया, उस पर हमारी अभी सहमति नहीं बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, एक तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हमेशा ही बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने के लिए पक्षधर रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने दिवाली का ही समय क्यों चुना। 2 महीने से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने नोटिस दे रखा है भाई हमारी मांगों पर सरकार बातचीत करे। 19 तारीख को आदरणीय कमल गुप्ता जी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बातचीत तो की, लेकिन उन्होंने बातचीत गंभीरता से नहीं ली। हमने सफाई कर्मचारियों से हर साल कोई ना कोई हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और उस बातचीत में वो अपनी मांगे रखते हैं, जो उसमें संभव होती है हम तुरंत मानते हैं, जो मानो संभव नहीं होती उनको समझा भी देते हैं, या कई बार कुछ डिमांड्स ऐसी डेफर भी होती हैं। लेकिन इस बार सफाई कर्मचारियों ने जो कुछ स्ट्राइक की है इसका उन्होंने समय ठीक नहीं चुना, और ये मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने दिवाली का ये अवसर जो चुना है ये एक अलग प्रकार का एक दबाव जो डालने की बात की है, ये कतई उचित नहीं की जा सकती, और जनता में भी ये फीलिंग है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।